खाला सुगरा ने, खाला रुकैया ने प्याज जो है ब्राउन कर लिया है। खाला जी क्या बना रहे हैं आप? मैं आलू अंडे बना रही हूँ, आलू और आपके आलू के लिए चटनी बनाऊंगी जी, और उसमें चटनी के साथ एक अंडा बीच में डाल दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हाँ जी, बस वो मेहमान वगैरह आ रहे थे आपके खालू का पूछने के लिए जी, खालू की तबीयत जो है खराब थी, पता लगा बस सब पूछने आ रहे हैं, तो बस अब जो लेट हो गई थी इसलिए मैंने कहा चलो खाना वगैरह बना के अंदर बैठ जाते। हाँ जी, चल ठीक है, आप चूल्हा अंदर रख लेते। वो ना अंदर ना धुआं ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने कहा चलो बाहर ही, क्योंकि आ रहे जा रहे धुआं लगेगा। हाँ जी, जो आ रहे जा रहे इसलिए तो बाहर रखा हुआ मैंने। हाँ जी, चलो ठीक है, आप बना ले। देखो प्यार बना जी, आग भी जबरदस्त जलने लग रही है और माशाल्लाह यहाँ पे मसाला की अच्छी तरह रख लिया, सिस्टर ने भुनाई कर ली है, तो अब इसमें करने लग रहे हैं आलू ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एक बात है, कढ़ाई में ना सालन भी अच्छा बन जाता है ना, अच्छी बन जाती है। पापा कहते हैं आपने इसमें बनाया करो, तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और जलती भी नहीं। अक्सर जो होटल वाले जो होते हैं ना, हाँ जी, वो कढ़ाई में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं अंडा और जो अंडा सेट होता है, ये सारी चीजें बनाते हैं। बस हर किसी का अपना अपना तजर्बा होता है बनाने का, तो बस हमें ये कढ़ाई में ज्यादा आपको सहूलत लग रही है ना। मैं तो वैसे पतीली में बनाती हूँ, खुला सालन ना सही बन जाता है, खुला डोला बन जाता है, हर किसी का बस अपनी उसकी ना आदत। हाँ जी, पड़ जाती है। और फिर इसके अंदर गोभी भी डालनी है आपने? गोभी भी डाल लेती हूं। अच्छा, इसके पापा के लिए जो है वो मैं नहीं देनी है। हाँ, ये तो भाई के लिए ना नुकसान देगी, बस उनको जो है चटनी बना। अच्छा अच्छा, ये अंडा बना देना, ये चटनी अंडे के अम्मी ने कह रहे हैं चटनी बना के ना, अंडा बना के ना उसके अंदर चटनी डाल देना। ये चटपटा थोड़ा सा हो जाएगा, बस जरा हरी मिर्च डाल देना थोड़ी सी, एक दो, ताकि ना थोड़ा जरा हो जाएगा। हाँ जी, चलो फिर ठीक है, आप ये कर लो। माशाल्लाह जी, यहाँ पे रुकी है सिस्टर ने अच्छी तरह भाई, आलू की अच्छी तरह बुनाई कर ली है, तो अब इसमें डालने लग रही है गोभी। एक बात है, सालन भी आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, और बच्चे खुश हो जाएंगे, लंच लेके जाते हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी पूरा सही है, बच्चे मेरे जो है ना सालन बहुत ज्यादा खाते हैं। माशाल्लाह, फिर आपके बच्चे हो आदत ऐसी डाली, कहते हैं मम्मा सालन जब तक हमारा खुला ना है हमें नहीं मजा आता, नहीं आता, बस बाल बच्चों को आदत डल जाती है ना। वो तो क्या रही, जैसे बच्चों को आदत डलोगे ना, बच्चे फिर वैसे ही आदत लेते हैं। और माशाल्लाह फिर आप भी माशाल्लाह फिर खुला डुला खाना खाते हैं। सही है, हाँ जी, चलो ठीक है, फिर आप ये बुनाई कर लो। आगे पानी ऐड करेंगे? पानी ऐड करके इसको नहीं नहीं, आप इस तरह करें, इसे हल्की आंच में ना ऐसे दम पे कर दो, इतनी जबरदस्त ये बनेगी ना, क्योंकि गोभी का पानी खुद पर खुद ये हो जाएगा, गोभी का तो खुद ही निकल जाएगा। खुद ही निकल जाएगा, नहीं थोड़ा सा बस डाल देते हैं। अच्छा, हल्का जो मसाला सब होगा बीच में हो जाएगा और जो फिर दम पे हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, आप ढक्कन दोगे? चलो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ। माशाल्लाह से सालन जो है खाला का तैयार हो चुका है बिल्कुल, और अब जो है इसमें धनिया ऐड करने लग रही है, बस अब धनिया डाल के आप उतार दें इसे। बस नहीं, हाँ जी, उतारने लगी हूँ बस। हाँ जी, और बस दम करके पानी लगा, बस आप थोड़ा सा ढक के ना इसे नीचे उतार देना, बहुत लेट हो गया आज आपकी। लेट हो गया, बस मेहमान आ रहे जा रही हैं। हाँ जी, तो मामी और भी आए थे, मैंने कहा था खाना खा के चले जाना। हाँ जी, नहीं अभी हम आप बड़े सिस्टर के घर गए थे तो उधर खा कर आए हैं, फिर मैंने चाय और बिस्किट दे दिए। हाँ जी, हाँ जी, बस मैंने जैसे चाय वगैरह पी और वो घर चले। आप निकल लिया खाना पकाना? खाना बना लिया, खा लिया, बच्चों को दे दिया। हाँ जी, सबको क्योंकि अभी आए हैं तो मैंने फिर दे दिया, तो वो खा रहे बैठे, बाकी मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया, मैंने खुद ने भी खा लिया। बस रुकिया सिस्टर अभी ये भाई पवन के लिए चटनी बना रही है, क्योंकि ये तो बच्चों के लिए बनाया ना, थोड़ी मिर्चा तेज है, भाईजान के लिए जरा मिर्चा जरा कम है, तो चटनी वगैरह अंडे में डाल देंगी। मिर्च वाली भी चटनी नहीं, हरे धनिया की चटनी? हरा धनिया नहीं, हरा धनिया नहीं, पुदीना है। अच्छा, ये पुदीना है? नहीं नहीं, हरा धनिया। अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं हरा धनिया, हमने हरा धनिया का, आपने पुदीना का। आपने पुदीना का, आपने हरा धनिया का। सुनने में आया कि शायद आप लोग कह रहे पुदीना है। नहीं नहीं, चले कोई बात नहीं, लेकर आओ उसका। चले ठीक है, फिर आप ये अब खाना वगैरह खाए। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बस अब दवाई शवाई खा ली, अब लेटी हुई है, अब वो भी रोटी खा रही है अभी, क्योंकि वो अभी दूध लेकर आए ना। ये बच्चे आग क्यों जला रही हैं बेफजूल? रोटी बनाई है ना। हाँ जी, तो बस आग बड़ी थी, बस वो सेक रहे हैं, सर्दी है ना तो आग सेक रहे हैं। हाँ जी, चले ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह जी, चटनी की अच्छी तरह रुकी है, सिस्टर ने बुनाई कर ली है, तो अब इसमें डालने लगे हैं दो अंडे,
ऐड करने लग रही है। सर डालोगे रुकिए सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी जबरदस्त दो अंडे डल गए हैं और ये फिर चटपटी चटपटी हो जाएगी। चलो इन्हें ये महसूस नहीं है क्योंकि मैं सादा नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मैंने इनके लिए अच्छी रेसिपी बना दी। सही है, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। चटनी का भी फ्लेवर आएगा भी इसमें और अंडों का फ्लेवर भी आएगा, अंडों का भी फ्लेवर आ जाएगा, दो दो आ जाएंगे। सही है, इंसान का दिल करता है कि एक चीज अच्छी खा रहा है और मैं हल्की खाऊं, हल्की खा तो दिल में आता है ना, मैंने इसलिए मैंने ये बना देती हूं। कोई बात नहीं, हमारे में ये नहीं है भाई हल्की हो, जब हमें मुझे महसूस होता है ना, इसलिए मैंने कहा आपके लिए मैं दो अंडे बना के और चटनी में एक मिर्च डाल के बना देती। सही है, बहुत अच्छा करा, बहुत प्यारा ही काम करा है। मैंने कहा अच्छी चीज खाए तो ये नहीं नहीं वो कुछ नहीं है। पता क्या मेरे बात सुनो रुकिया सिस्टर, अगर शौकत भाई किसी चीज़ का प्रेस करेंगे ना तो भाई जान के लिए अपने लिए फायदा है। हम तो ये को कहते हैं ना, जान है तो सब कुछ है, जब जान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह का जब अल्लाह ताला यानी कि भाई शौकत भाई अच्छे हो जाएंगे तो यानी कि फिर उसके बाद फिर जो मर्जी वैसे खा सकेंगे। चलो फिर ठीक है, आप ये अच्छी तरह बुनाई कर लो। बस बहन भाई से मैं ये दुआ ये कहती हूँ कि बहन भाई सबके लिए दुआ करें और बिलाल के पापा के लिए भी दुआ करें। हाँ जी, आज बहुत मैं परेशान हो गई थी। कोई नहीं, अल्लाह ताला आपकी परेशानी इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अस्पताल जाना है बस, एक टेस्ट और करवाना है, अल्लाह करे सही आए, ज्यादा कोई परेशानी ना आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये परेशानी बताई है कि कुर्तों पे असर पड़ रहा है, तब मैं बहुत ज्यादा ना डर गई थी। बस कोई नहीं है, बस दुआ नमाज पढ़ा करो, सब बहन भाई के लिए दुआ मांगनी है। सबके लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, अल्लाह ताला सेहत चलो फिर ठीक है। अभी बनाई यहाँ पे रुकिया सिस्टर ने सालन बना लिया है तो घी भी माशाल्लाह गर्म हो चुका है और इसके बाद डालने लग रही है चटनी। चटनी काफी जबरदस्त क्योंकि शौकत भाई के लिए सर आपने उसमें अंडा भी डालोगे रुकिया। अच्छा माशाल्लाह इतना अच्छा कलर लग रहा है, सबज सबज ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सी हल्की सी बुनाई करके ना फिर इसके बाद अंडे डालना, ठीक है। चलो यहाँ पर रुकिया सिस्टर ने ज़बरदस्त चटनी वाला अंडा बना के तैयार कर दिया है और शौकत भाई माशाल्लाह खाने लग रहे हैं। हाँ जी भाईजान बताओ कैसा बना हुआ है? माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, माशाल्लाह जायकेदार है, माशाल्लाह। यह चटनी के अंडा मिर्च डाली हुई है, अंडा भी फेंट दिया था इन्होंने साथ। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है आप खाओ। सुबह तो दही खाई थी? हाँ जी सुबह आपने दही खाई थी। आप भी खा ले? नहीं नहीं मैंने बस भाईजान ने मुझे पूछा है कि आपने खाना, मैंने कहा नहीं क्योंकि मैं भी खाना खा के आई हूँ ना तो अभी बिल्कुल भी तलब नहीं है। जिस बहन भाई ने खाने आ गए। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। तो माशाल्लाह अभी मौसम भी बिल्कुल साफ़ है और धूप भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ निकली हुई है। और जी यहाँ पे जो रुकिया सिस्टर जी लगी हुई हैं क्योंकि रात हम बड़ी देर तक जागते रहे हैं, खाना वगैरह बनाते रहे हैं, बस टाइम का नहीं पता लगा। और शौकत भाई की भी ज़रा टेंशन थी, बस ज़रा परेशान रहे हैं। तो अब जी यहाँ पे रुकिया सिस्टर ने पेड़े कर लिए हैं तो तभी मैं तभी पे जा रही हूँ, तभी रोटी बना रही हूँ। अच्छा चटनी बनाऊंगी, धनिया तोड़ के लाई हूं। शौकत भाई अभी भी परेशान बैठे हैं बेचारे। हाँ जी भाईजान कैसी तबीयत है? अब चलो शुक्र है, दवाई वगैरह खाई थी आपने? आप अच्छा कुछ पहले से कुछ यानी कि बेहतर लगा आपको? अच्छा कोई नहीं, अल्लाह करे एक दो दिन खाओगे ना, अल्लाह करे आज सो जाए भी अपने टाइम पे ही। हाँ जी टाइम पे नाश्ता वगैरह लेकर आती हूँ फिर अस्पताल जाएंगे। अच्छा लेबोरेटरी से वो अस्पताल कह रहे हैं टेस्ट वगैरह दूसरा जो बताया था ना जी। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ना अच्छी यानी कि वो आएगी, रिपोर्ट आएगी जो भी आएगी। चलो कोई नहीं, इंसान पे दुख तकलीफ तो इंसान पे आती है, कोई तो कह रही इंसान को मुकाबला करना चाहिए, हर चीज़ के साथ मुकाबला करना चाहिए। और ये धनिया लेके आए आप कहाँ से लेके आए? ये मेरे सामने अंकल जो है मालिक मकान। अच्छा उनके उधर ऐठे में लगा हुआ था घास के अंदर, माशाल्लाह जी हरा हरा, ये थोड़ा थोड़ा तोड़ के लेकर आई। अच्छा ताज़ा है ना, मैंने कहा चलो एक घर में डाल के ना। अच्छा चलो फिर ठीक है, आप तभी पर रोटी बना लो क्योंकि सालन तो आपको पता बादी है रात। हाँ जी नहीं गोभी है वो तो नुकसान देता है। सेवन की बिल्कुल रूटीन। हाँ नहीं ठीक है, जो यानी डॉक्टर से पूछ लेना भी क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, फिर वही चीज इसे आपने बना के देनी है। चलो फिर ठीक है आप बना लो, फिर भाई जान को अस्पताल भी ले। यहाँ पर प्रिया सिस्टर ने पेड़े वगैरह कर लिए थे और तो माशाल्लाह रोटी में यहाँ पे तीन चार उतर चुकी हैं और वहाँ पे तभी भी डालने लग रही हैं। तो कहती हैं फटाफट बच्चों को मैं नाश्ता करवा के
ताकि फिर भाई शौकत भाई को भाई अस्पताल लेके जाना है। तो आज अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा? बच्चे बस अपने पापा की परेशानी की वजह से नहीं गए। परेशानी की वजह से आप चले जाओ, छुट्टी एक दिन की ताकि तो आपको सर मारेंगे। हाँ जी, कहते नहीं मम्मा हम जा आप मैं घर रह लूंगी। अच्छा, तो आप पापा को लेके जाना। चलो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज की रात मैंने कहा बस रोने से कुछ नहीं बेटा, दुआ नहीं रोना नहीं, कहते रोना नहीं चाहिए, बस खानी होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ जो हमारे पापा पे सेहत व यानी कि भाई जो दुख तकलीफ है अल्लाह मियाँ दूर हो जाए। चलो फिर ठीक है, आप रोटी बना लो। ठीक है, मुझे आप ये बर्तन भर दो पानी से, क्योंकि मैं भी बेटा की समय बेटा की यानी कि मोटर है तो आसानी से पानी भर जाता है। पूरे शहर में गंद होया हुआ है, तो अब सफाई वगैरह करती हूँ, पानी अच्छी तरह मार के फिर सफाई करूँ, क्योंकि कल भी मैंने सफाई करी थी, कल फिर हवा चल रही थी तो आज इतनी हवा नहीं चली हुई है, तो मैंने कहा फिर ना पानी अच्छी तरह मार के फिर दोबारा अच्छी तरह झाड़ देती हूँ मैं। अच्छी तरह बेटा ये मार देना, ठीक है? हाँ, इधर को भी मार, इधर को भी ऐसे मार। हाँ, ताकि ना ये मट्टी है ना जम जाएगी, अच्छी तरह मार देना बस। आइए चला कुछ भर देना, जो वो सड़ रह रही है वो फिर मैं ना बाल्टी से उठा उठा के ना वहाँ पे उधर मार दूँगी। ठीक है, और यहाँ पौधे को पानी भी देना है। ठीक है, बिल्कुल जब खुशक हो जाएगा फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू दूँगी। वगैरह मैंने अच्छी तरह सहन का छिड़क लिया था और सफाई भी मैंने बहुत अच्छी तरह कर दी है, और यहाँ पे जी मैं भी बैठा है, मशीन लगाई हुई है और माशाल्लाह कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं, और अब जी कपड़े खिंगालने लग रही है यहाँ पे बेटा। माशाल्लाह मैं भी बेटा एक बात है, अब काम बहुत ज़्यादा करती हूँ घर का, काम करना तो दिया का काम ही यही है कि माँ बाप को काम करके देना है। चलो फिर ठीक है, आप ये कपड़े खिंगाल लो। और संभी बेटा किधर गई? वो ना पापड़ वाला आया था तो मैंने पापड़ मंगवाए हैं। अच्छा, पापड़ खाने को दिल कर रहा है? अच्छा, वो देखो इतने सारे पापड़ लेके आई हो। ठीक है, चलो फिर ठीक है, आप पापड़ भी खाओ और क्या नाम कपड़े फिर खिंगाल लो। ठीक है, माशाल्लाह कपड़े तो बहुत साफ साफ सुथरे हो गए मशीन में, है ना? हाँ जी, साफ साफ हो गया बिल्कुल। चलो फिर ठीक है, आप कपड़े खिंगाल लो। ठीक है, बेटा की तरफ से मैं आ चुकी हूँ, तो मैं भी बेटा कपड़े वगैरह खिंगालने लग रही हैं, फिर उसके बाद यानी कि भाई तार पर डालेंगी, मैं भी साथ उसके हाथ लग जाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे कपड़े हैं ना। मैं भी बेटा से मैंने कहा चलो मैं भी साथ दिलवा लूँगी कपड़े, तो वैसे भी तबीयत भी सही है ना, तो बुखार वगैरह है ना, तो चलो ठंडे पानी में। हाँ जी, बुखार भी है, तबीयत भी सही नहीं है। और आप ये चाय बना रहे हो शौकत भाई के लिए? अच्छा, फिर अभी हॉस्पिटल नहीं गया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, दिल कर रहा होगा ना, कोई बात नहीं, बना दो। अच्छा, तो मेरा तो खुद यकीन करो अस्पताल से नहीं आके बैठूंगी ना जब तक सुकून नहीं आएगा। कोई नहीं, मैं तो आपको यही कह रही हूँ, आप टेंशन ना लो। आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी। कोई नहीं, अगर थोड़ा सा मसला भी आया कोई नहीं, अल्लाह करे डॉक्टर अच्छी दवाई देंगे, खाएंगे, अल्लाह करे आराम आ जाएगा। टेंशन ना लिया करो, टेंशन लग के तो बल्कि अपना ये ना कि वो हाल, मैंने जिस तरह पहले भाई सिद्दीकी की टेंशन ली थी, तो मेरे यकीन करो इतना मैंने ये ना कि दिमाग की रगे मेरी फटने को हो रही थी ना, तो कल मैंने फिर ये शौकत भाई का यानी कि भाई झटका लग गया, भाई मसला हो रहा है, फिर यानी कि मेरे अब तक ये ना कि ना सर में दर्द है, आराम नहीं आ रहा, टेंशन में लेते हैं ना, बस अल्लाह ताला ये टेंशन हमारी दूर कर दे। अल्लाह मियाँ जो भाई शौकत पे बीमार, अल्लाह ताला ने शफा देवे, ने आराम देवे। चलो फिर ठीक है, आप भाईजान को आप चाय बना दो। प्यारे बहन भाई, अब जो है यहाँ पर हम इधर घास में आ चुके हैं, मशीन मैंने लगाई हुई थी, एक चक्कर निकाल कर डाल दिया है, और अब दूसरा चक्कर हो गया होगा। हम आए इधर घास काटने के लिए, अबू ने कहा था भाई मैंने घास मांगा यहाँ से थोड़ा सा ना, एक थब्बी काट लेना गधे वास्ते। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा हाँ जी, चलते हैं दिखाते हैं, आप इधर बैठे मैं घास दिखा कर आती हूँ, कितना अच्छा अच्छा लग रहा है ये काटा हुआ भी, और इधर से भी काटा हुआ था, यहाँ से देखे हो गया दोबारा ही, अभी वो जो है अभी काटना ही है, देखिए कितना मसला बड़ा बड़ा हो गया था। अब चलते हैं इधर दिखाते हैं आपको, जो समिया ने घास काटा, तांत्री यहाँ पर डाल दिया उसने, ये काटा है घास उसने, एक तभी ये पड़ी है, एक ये है और दूसरी सभी, तो ये देखें किस तरह तरीके से काटा हुआ है घास, बिल्कुल सीधम सीध लाइन मार काटा हुआ जी। खाला सुगरा यहाँ मटर तोड़ रही है, खाला क्यों तोड़ रहे हैं आप मटर? आज बनाने हैं
चावल वाले मटर बना रहे हैं। आपकी नानी आई हुई है और यानी कि भाई आपकी मेन का मामी आई हुई, छोटी मामी आई हुई, जारा मामी आई हुई है। हाँ जी। तो फिर यानी कि बड़ी बात मैंने कहा भाई चावल बना लो, तो अम्मी भी आई हुई, चलो खा रहे खा ठीक है ना चले जाएंगे। तो जारा कहती है अभी मैं चले जाऊँगी, मैंने कहा नहीं आप मैंने चावल खा के फिर जाने। हाँ जी, इतने दिनों बाद आई है मामी जारा। कल भी पकाना चावल बस कल रह गया थे, तो मैंने कहा चलो फिर आज बना लेते हैं चावल। तो फिर थोड़े से बस मटर निकाल लेंगे, 1 किलो 1.5 किलो निकल जाएंगे, फिर आलू वाले चावल बना लेंगे। हाँ जी, मटर भी ऐड कर देंगे। और भाई को पैसा दिया देते, देख रही हूँ अगर मिल गया, मगर ना इसमें मिल नहीं रहा। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है कच्चा मटर है, इसमें फली नहीं है, फली नहीं है, बस देख रही हूँ कि एक आधा मिल जाए, चलो चावल में डाल देंगे, जरा कलर सा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, देखती हूँ फिर आप भी यानी कि मैं साथ लगा उधर, मैं भी बैठा देख ढूंढ रही है, मैं भी शापी भी ढूंढ रही है, और आप भी। इधर जो है अम्मी जान आई हुई है, सलाम कर ले अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी और मेरी बहन ठीक ठाक वगैरह कर रही है। और अम्मी जी आप ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस ऐसी है तबीयत भाई। हाँ जी, मेरा जवाई बीमार था, इसका पूछने वास्ते आई मैं। हाँ जी, बस फातिमा भी बीमार है जी, बस मौसम भी ऐसा ही है, कुछ कुछ दवाई हम अस्पताल गए हुए थे, टेस्ट वगैरह कल करवाया था परसों, तो आज गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई यानी टेस्ट का यानी 3,000 तो 600 लगेगा, तो हमारे पास 1,500 थे, तो फिर मैंने इसके पापा कहते हैं पीर वाले जी जो है ना टेस्ट भी करवा लेंगे और जो है बाकी फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो अम्मी जान आप ना इसमें सेवियाँ डाल दें। हाँ जी मैं डाल रही हूँ, ये सेवियाँ डाली थी, पानी पक चुका है हमारा माशाल्लाह, डाल दिया मीट में चला दूंगा। तो मैंने इनके पापा को सेवियाँ बना के दी, अंदर अंदर कुछ पेट भी खराब है इनका, तो सेवियाँ बना के दे देती हूँ, और बच्चों को जो है रोटी बना दूंगी। और अम्मी जान भी उधर, आप ही बड़ी हैं, वो चावल बना रही हैं। अम्मी जान आप जो दिल करे आप खा लेना, इधर से दिल करे आप इधर खा लेना। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो आटा भी गूंदा हुआ, रोटी बना दूंगी, रोटी खानी रोटी खा लेना आप, और अगर आपने चावल खाने हो चावल खा रहे हैं। चलो ठीक है अम्मी जान, फिर आगे की रेसिपी बहन भाई के साथ शुरू। चलो यहाँ पर जो है चावल चावल खा लिया हमने, और इधर जो है चाय बन रही है, चाय पक चुकी है, और अब जो है दे रही है उधर समिया नानी को, और मामू इस साइड पर अबू और खालस वगैरह भी बैठी हुई है। वो करते फिर शाम की जो होती है रेसिपी खाना वगैरह। हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा टिंडे काट टिंडे काट लो, ये चाय पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर काटते हैं। चाय वगैरह हमने सबको पिला दी है, तो अब जारा और नोनी जा रहे हैं घर, तो मैंने कहा है भाई शाम की रोटी खा के चले जाना, तो जारा कहती है शाम को रोटी नहीं खानी, क्योंकि शाम को वैसे भी मैंने नहीं खानी है। क्यों, बस रजी की आप? हाँ जी, इतने चावल खा के आप रजी की? बाजी ने चावल इतने मजे के बनाए हुए थे, तो वो ज्यादा खाए गए, तो इसलिए रात को नहीं खाऊंगी। पता क्या, बाजी ने इतने जबरदस्त चावल बनाया ना, बस पेट भर गया, नियत नहीं भरी। हाँ जी, बड़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, वैसे चावल बहुत मजेदार बने हुए थे। वो कहते हैं थोड़ी चीज बनाओ ना अच्छी बनती है। और वैसे भी बारी फातिमा वैसे भी चीजों से बनाए ना, बहुत सालन हो भावे चावल हो अच्छी बनते हैं बाजी के हाथ के। और नोनी आपका काम सही जा रहा है, दुकान पे गए थे आज? चलो चलो ठीक है फिर, जाओ हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। अपना लगे नोनी और जारा जा रहे हैं आराम से, अल्लाह मियां खैर खैर से ने घर पहुंचा दे। अभी अभी भी आया है, और मौसम भी देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और शाम का मंजर माशाल्लाह कितना जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। ये ना कहना बादलों में ना सूरज में यानी कि बादल छुपे हुए हैं, मौसम में देखते ही रहे हैं माशाल्लाह, सब माशाल्लाह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बारी फातिमा है, मुनीब के पापा हैं, भाई रफीका है, हसनैन है, इनके सब यानी कि इकट्ठे हुए हुए हैं। मुझे लग रहा है कोई गिट मीट हो रही है, और सामने की तरफ ना कबूतर भी उड़ रहे हैं, वो सामने उन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, और यहाँ पे जी अदीला पानी दे रहा है, ओ सॉरी नदीम नदीम बेटा पानी दे रहे हो, माशाल्लाह सही है, पनीर है ना, पनीर को पानी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई ने यानी कि स्प्रे मारी थी, तो आप यानी कि भाई वो दे रहे हैं पानी दे रहे हैं, यहाँ पे भाई बैठे हैं। और आप लोग क्या बना रहे हो, टिंडियाँ बना रहे हो? हाँ जी, हमने तो टिंडियाँ, अम्मी ने रख भी दी,
पर। अच्छा रख भी दिया, चलो बस अब बर्तन पड़े हैं, जाकर बर्तन धोते हैं। ठंडी हवा भी चल रही है, ठंड सर्दी तो हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि भाई काम फिर यानी के भी टाइम काम वगैरह करा, फिर टाइम का पता नहीं लगा। चावल वगैरह ये मैं जबरदस्त चावल बनाए हैं, बड़े मजेदार चावल बने हैं। चलो फिर ठीक है, घर चलते हैं। हाँ बर्तन धो लो, फिर बिल्कुल ही शाम हो जाएगी। मैंने पौधों को पानी दे दिया, मैं कल जूते वगैरह धोने लग रहे हैं, और मैं भी बेटा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, ये चावल वगैरह बनाए थे तो बर्तन वगैरह शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं भी बेटा बर्तन धोने लग रही हैं। और मैं भी बेटा आप वीडियो का एंड भी कर दो। ये दीजिए हमारी आज की ज़बरदस्त वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद होगी। हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।